लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल में 100 यूनिट की माफी की मुद्दे को लेकर रूपाणी सरकार द्वारा जाहिरात जाहिर की गई थी, जो कि बिल्कुल झूठी साबित हुई। आज रोज सूरत के भेस्तान में DGVL से मीटर रीडिंग करने आए अधिकारियों द्वारा 100 यूनिट सरकार की जाहिरात के मामले में किस बात को लेकर भेस्तान में स्थानिकों को कोई भी राहत नहीं मिली। ये सूचना मिलने पर अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा इस मामले में कोई गाइडलाइन माफ़ी के लिए नहीं दी गई है, जिससे आक्रोश में आए स्थानीय लोगों ने इंसाफ पाने की उम्मीद लेकर सूरत नवसर्जन ट्रस्ट को संपर्क किया। इस मामले में सूरत नवसर्जन ट्रस्ट द्वारा स्थानिकों को राहत मिले और उनके साथ न्याय हो, इस मकसद से सूत्रों उच्चार से विरोध दर्शाया गया और आने वाले कल में सूरत नवसर्जन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सोशल डिस्टेंस के साथ DGVLC कचहरी पर जाकर विरोध दर्शाया जाएगा और बिजली बिल से राहत मिले स्थानिकों को इस बात को लेकर अपील की जाएगी। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। भेस्तान ની અંદર 12,850 ને એવા બધા બિલ આવ્યા છે VGCL તરફથી અને આ સાહેબ અહીંયાથી ગયા, અમે એમણે પૂછ્યું કે ગુજરાત સરકારે જે જાહેરાત કરી છે કે 100 યુનિટ ફ્રી તમને અપાશે, પરંતુ એનો અમલ અત્યારે DGVCLના જે અધિકારી છે તેમણે કીધું અત્યારે સરકારની ગાઈડલાઈન આવી નથી, એટલે જે 100 યુનિટની જાહેરાત હતી તે પણ પોકળ સાબિત હાલ થઈ રહી છે, દેખાઈ રહી છે, કારણ કે તેને અમલમાં લેવામાં આવી નથી। सरकार DGVCL ना अधिकारी ने एवं कहू है कि अमने सरकारे हाल में कोई गाइडलाइन आपी नहीं, तो मात्र 100 यूनिटनी जाहेरात करी थी तेने पण अमल में नहीं आवशे। हवे आ गरीब लोग क्यांथी पैसा भरशे, एटले हूँ आपना माध्यम थी जाहिर जनता ना माध्यम थी विजय सिंह रूपाणी साहेब ने विनंती करूँ छूँ कि साहेब तमे जे 100 यूनिटनी जाहेरात करी थी ते तो अमल में लाओ साहेब, कारण कि आ गरीब लोगों ने 100 यूनिटनी वीजळीनी जे बिल माफी ते पण खूब ज राहत સાહેબ એ પણ નથી। આ માત્ર ને માત્ર સાહેબ ખાલી બોગસ તમારી વાતો આ લોકો ગણાવી રહ્યા છે DGVL'sના અધિકારીઓ કે અમને કોઈ ગાઈડલાઈન આપી નથી સાહેબ, તમે જાહેરાત કરી તે છતાં પણ અમલમાં નહીં આવતો હોય તો આ ખૂબ જ આઘાત અને દુઃખજનક વાત છે। એટલે મારી વિનંતી છે સાહેબ કે મહેરબાની કરી અને તાત્કાલિક ધોરણે આની ગાઈડલાઈન તમે પૂરી પાડો, કાં તો કે પરિપત્ર જાહેર કરીને DGVL's અને ટોરેન્ટ પાવરને તમે આપો સાહેબ। નમસ્કાર। ઓકે, गाइडलाइन दी है सरकार ने, 100 यूनिट माफ़ करने का कहा है तो 100 यूनिट माफ़ करके देना चाहिए इन लोगों ने, अभी माइनस करके इसमें से देना चाहिए तो सरकार के अधिकारी साहब ने बोला था ना कि 100 यूनिट माफ़ करेंगे, एक भी यूनिट माफ़ नहीं करे, बड़े बड़े बिल भेजती है, किसी के पास पैसा नहीं है इतना कि कोई भरेगा बिल, कहाँ से बिल भरेगा, अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन बिल भरने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, हम कहाँ से बिल भरेंगे, किस तरीके से पैसे का एडजस्टमेंट करेंगे हम इसका सब बिल भर सके। एक ही बच्चा कमाने वाला हो उसके घर का तो कैसा क्या करेगा, भर देगा सरकार। एक तरफ तो कहती है हम राहत दे रहे हैं सबको, ये है वो, इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षा चला के गुजरान चलाते हैं, शिक्षा चला के गुजरान चलाने वाले किस तरीके से बिल भरेगा, किस तरीके उसका घर का गुजरान करेगा, वो समझना चाहिए ना गवर्नमेंट को, समझना चाहिए। जब 100 यूनिट का तो माफी की बात कर रहे हैं तो 100 यूनिट यहाँ माफ करके देना चाहिए बिल को, जो बिल भेज रहे हैं आपके यूनिट के हिसाब से भरने वाले नहीं, हमारे पास पैसे हमारी ताकत नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इस बिल को आगे भर पाए, तो सरकार को चाहिए, हमें सरकार का अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि हमारे जो 100 यूनिट माफ करने का है 100 यूनिट माफ करें, अन्यथा नहीं तो आगे जो गाइडलाइन के हिसाब से माफ करें।